हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है कि एक्वेरियस सोल ट्राइब क्या सीक्रेट ब्लेसिंग्स क्या मैनिफेस्ट कर रहा है 11/11 पोर्टल में, जो कि पड़ता है 11th of November को। और पोर्टल की एनर्जीज आप लोगों को रिसीव होनी शुरू होती हैं, चैनलाइज शुरू होनी होती हैं हम लोगों के थ्रू, हमारी साइकी के थ्रू, हमारी लाइफ के थ्रू। और ढेर सारे बिग शिफ्ट्स, पावरफुल चेंजेस लेके आते हैं पोर्टल की एनर्जी। और 11/11 पोर्टल इज़ दी वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल भी आप कह सकते हैं, बट मैं मोस्ट नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि हाँ बहुत पावरफुल है। बट क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए 8/8 पोर्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बट 11/11 पोर्टल खासकर ना न्यू बिगनिंग्स के लिए, न्यू मैनिफेस्टेशंस के लिए, क्योंकि वहाँ पर 1111 फोर टाइम वन आया है, यानी कि कितना इंटेंसिफाई हो गया है बिगनिंग, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना, वाइंड अप करना, लेट गो करना, मूव ऑन करना, इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में लेके आता है। हिडन ब्लेसिंग्स लेके आता है, जो हो सकता है एट टाइम्स आप फील भी ना करें और थोड़े टाइम के बाद आपको फील हो। और पोर्टल की एनर्जी चैनलाइज होना शुरू होती है 2 weeks बिफोर एंड 2 weeks आफ्टर तक, यानी कि पूरा देखा जाए तो मोटा मोटा पूरा नवंबर का मंथ ही इसकी गिरफ्त में आने वाला है। और आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी बिग शिफ्ट, बिग चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस ये 11/11 पोर्टल लेके आए, ऐसी मैं प्रे करती हूँ। और आप लोग भी अपने लिए प्रे कर लीजिए। इसके बाद मैं कार्ड शफल करूँगी, आप रीडिंग को यहीं रोक के, वीडियो को यहीं रोक के अपने लिए विजुअलाइज कर सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं, क्योंकि देने वाले वही परमपिता परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हैं, उनसे आप मांग सकते हैं, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो मैनिफेस्ट होने जा रही हैं, या क्या चीजें हैं जिनको हमारी लाइफ में से दूर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे है वाव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, गुड, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आई मीन वाव, ये है कार्ड बहुत अच्छे वाला, एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। अभी देखो थ्री की एनर्जी टू टाइम्स आई है, यानी कि चार कार्ड्स में से थ्री की एनर्जी वाले आए हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ्स हैं 3 तारीख को आपका जन्म हुआ हो सकता है, 12 तारीख को, 21 तारीख को, या फिर 30 तारीख को, या अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम जोड़ें तो आपका भाग्यांक हो सकता है 3, क्योंकि 3 की एनर्जी काफ़ी आई है। और जिनकी नहीं आई है, सो डोंट वरी, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ यही होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की होगी, ठीक है। तो क्लेम कर लीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को, खासकर अगर आपकी ये 4 डेट ऑफ बर्थ्स हैं या आपका भाग्यांक, जिसको कि हम बोलते हैं मूलांक बोलते हैं, भाग्यांक बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर जो होता है हमारा, डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो होता है डेस्टिनी नंबर, अगर वो आपका 3 है तो भी आप इसको क्लेम कर लीजिएगा, और बाकी लोग भी क्लेम करें, क्योंकि बहुत प्यारी, बहुत पॉजिटिव सी ये रीडिंग है। और मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ ये रीडिंग्स आप तक लेके आने में, क्योंकि फेस्टिविटीज़ में काफ़ी मैं बिजी थी और काफ़ी सारी मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, कंसल्टेशंस थी आप लोगों के ही साथ, तो मैं टाइमली इसको नहीं बना पाई। और फिर मुझे लगा कि मैं ना बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये फिर अगले साल पे बात जाएगी, और जो सोल ट्राइब को जो ब्लेसिंग्स मिलनी हैं, जो चीज़ें हैं जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जीज उन्होंने रिसीव करनी है, तो इसके रिगार्डिंग रीडिंग करनी चाहिए। तो अब मुझे 3-3 रीडिंग एक दिन में बनानी पड़ रही हैं, और आप देख रहे हो 3-3 रीडिंग्स मैं रिलीज़ कर रही हूँ एक दिन में। सो काफ़ी एनर्जी लगती है मेरी इस चीज़ में, और मुझे आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए कि आप इस रीडिंग को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और सपोर्ट करें मुझे, सो दैट मेरा हौसला बना रहे। क्योंकि देखिए मैं भी उस चीज़ को मानती हूँ कि अगर सामने वाले का हौसला बढ़ता है ना, तो ही वो काम में ज़्यादा एनर्जी अपनी दे पाता है। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मैं पढ़ूंगी, टू ऑफ पेंटिकल्स है गाइज आप लोगों के लिए ना, तो पेंटिकल्स का ही कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का नहीं है, टू ऑफ कप्स का नहीं है, तो कन्फ्यूजन का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिसिंग रही हैं कि आप बैलेंस नहीं बना पाए हैं उन चीज़ में, आपने कोशिश बहुत की है। टू ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कोशिश बहुत की है, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी कमाना चाहते थे, या आपने कोई टारगेट रखा होगा, या कोई चीज़ें खरीदना चाहते थे आप, ठीक है। आपका सपना हो सकता है कि मैं घर ले लूँ, घर की डील फाइनल कर दूँ, या कोई व्हीकल ले लूँ, ठीक है, टू व्हीलर है मेरे पास तो मैं एक कार ले लूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होती है सारी फैमिली को एक साथ कहीं जाना होता है, बारिश में, धूप में, गर्मी में, ठीक है। हर तरह का सोल ट्राइब है, तो हर किसी की बात करूँगी।
कोई छोटा घर है, कोई बड़ा घर लेना चाहता है, कोई जॉइंट फैमिली में से अलग होके अपना घर लेना चाहता है, कोई रेंट पे है अपना घर लेना चाहता है, तो क्योंकि पैसे के रिगार्डिंग है इश्यूज ना आप लोगों के, तो कुछ थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच या फिर आपने कुछ टारगेट्स रखे हों कि इस साल में करना है, वो आप नहीं कर पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा ना बैलेंस नहीं बना आपके एफर्ट्स में और आने वाले पैसे में, या हो सकता है आपका पैसा रुक गया हो, ये भी हो सकता है कि पैसे की आवक रुकी हुई है, कोई पैसा आपका रुका हुआ है और काफ़ी उलझाव उसमें है, ट्रैप्ड है आप उसमें, लॉस नहीं है, रुका हुआ है, वो आ जाएगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि वो रुका हुआ पैसा इस पोर्टल के आसपास ना आपको न्यूज़ मिलेगी कि वो मिल रहा है, आपको मिलने वाला है, मिल जाएगा, या किसी और सोर्स से पैसा आते हुए, क्योंकि बैलेंस बनाने की आप भरसक कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं अपनी वर्क लाइफ को, अपने पैसे को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, तो ये लग रहा है कि मुझे कुछ इस तरह का काम आप करेंगे कि दोनों चीज़ों को संभाल पाएंगे, फाइनेंसेस भी जुटा पाएंगे, घर पे भी ध्यान दे पाएंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी एक चीज़ आई है, ये भी एक एनर्जी आई है, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसका पोर्टल से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ बताने आई है कि आप इस तरह की परिस्थिति में भी रहे हैं, ये आपका पास्ट है और बहुत हार्ट ब्रोकन फीलिंग्स हैं आपके अंदर, बहुत सारे एजेंडाज हैं, बहुत सारे अनहील्ड वूंड्स हैं, ऐसे घाव जो भरे नहीं हैं, जो रिस रहे हैं अभी भी, खासकर दिल से, दिल से घाव मतलब क्या, यानी कि दिल टूटा हुआ है, किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, और मोस्टली लोगों का हार्ट ब्रेक तो इंटीमेट रिलेशनशिप में ही होता है, और ये जो हार्ट ब्रेक होता है ना, इसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, लाइक आपके घर में किसी की डेथ हो जाए, वो सबको पता है, सोशली एक्सेप्टेड है, आप हर किसी से बात कर सकते हैं, हर कोई आपसे बात करता है, हर कोई आपसे चाहे दिखाने के लिए ही सही सिंपैथी रखता है, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप टूट जाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, या इस तरह की चीज़ें, तो वो तो आप बता ही नहीं पाओगे, पहली बात तो घर में नहीं बता पाओगे, बताओगे तो कोई समझेगा नहीं, चार लोग आपको ही सुनाएंगे, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रिलेशनशिप टूट जाना, लोग पता क्या बोलते हैं, हमें तो पहले ही पता था, उनको सब पता होता है, लोग अंतर्यामी होते हैं, उनको सब पता होता है, ठीक है, हमें तो पहले ही पता था यही होना है, और हम ये सुनना नहीं चाहते हैं कि भाई इनको पहले से ही पता था, ये बड़े अंतर्यामी हैं, तो इसलिए हम छुपाते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि मरहम कोई नहीं लगाएगा इस टूटे दिल पे, इस घाव पे, सब नमक छिड़केंगे, ठीक है, और नस्तर चुभाएंगे इसमें, उंगली करेंगे इसमें, तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आपने मतलब सीक्रेटली कहूँ, साइलेंटली कहूँ, बहुत दर्द सहा है, और अभी भी ये दर्द कभी कभी ऐसा उठता है आपके मन में ना कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे, मतलब डिप्रेशन की हालत हो जाती है, और आपका मन करता है कि मैं चिल्लाऊं, चीखूं, और बदला लेने की भावना भी उठती है फॉर टाइम बीइंग, और अपने मन की जो भड़ास है, वो जिस बंदे ने ये किया है या जिस बंदी ने ये किया है, जिस भी इंसान ने ये किया है ये सिचुएशन, उसको आपका मन करता है कन्फ्रंट करूं, उसको सुनाऊं चार बातें, लेकिन यहाँ पे ये पोर्टल में आई है एनर्जी, तो ऐसा नहीं है कि पोर्टल के दौरान ऐसा कुछ होगा या कैसे होगा, ये सब पास्ट है, ये सब आपकी एनर्जी बता रहा है कि आप इस तरह की एनर्जी कैरी करते हैं एक्वेरियस सोल ट्राइब, सो दिस इज द हाई टाइम कि पोर्टल भी आपकी हेल्प करेगा कि इस एनर्जी को आप रिलीज करें, आप इंटेंशन सेट करें इस पोर्टल पे, लिखें इसको, लिख के अपने दर्द को निकालें, ठीक है, कोई बड़ी टेक्निक नहीं होती, आप लाखों लाखों रुपए देके भी ना साइकोथेरेपिस्ट को यही करते हो जो मैं आपको करवाने के लिए बोलती हूँ, अब क्योंकि मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ इस चीज़ का, तो आप इसको सुन के भूल जाते हैं, किसी भी दर्द को, किसी भी तकलीफ को हटाने का एक ही काम है कि उसे कैसे हटाएं, अब वो है, सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ वो है, ठीक है, हाँ भाई मैं दुखी हूँ, हाँ भाई मैं डिप्रेस हूँ, हाँ मुझे ये चीज़ का क्लोजर चाहिए, हाँ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन नहीं है कोई उसे समझने वाला, नहीं है कोई वैलिडेट करने वाला, ये इंसान तो कब का आपकी लाइफ में से जा चुका, और आप जितना मर्जी रो लें चिल्ला लें, ये वापस भी नहीं आएगा, तो क्या करें, ये आपको वैलिडेट नहीं करेगा, ये आपको क्लोजर नहीं देगा, तो लिखें आप जो जो कुछ उसे कहना चाहते हैं, जो जो कुछ आप जिसको भी कहना चाहते हैं उसको लिखें और जला के फेंक दें, 11/11 पोर्टल के दिन आप ये कर लेना, तो आप न्यू बिगनिंग्स अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक पुराने को नहीं छोड़ेंगे तो नए के आने की जगह कहाँ पे है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको करनी है, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जी है इस कार्ड में, आप खुद देखो यहाँ पे, उसके बाद जब आप इस थ्री की, ये थ्री की नेगेटिविटी में आया है और ये थ्री की पॉजिटिविटी में आया, यहाँ पे ना कंडीशन अप्लाई हो गई है, जब आप ये करेंगे ना और अपने कन्फ्यूजन पे काम करेंगे और अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे, हर चीज़ हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते, कभी कभी हमें अपने काम पे ही 100% फोकस करना पड़ता है, और कभी कभी हमें अपने पार्टनर को, स्पाउस को, बच्चे को ही टाइम देना पड़ता है, तो कभी भी
ऐसे नहीं कि हम इक्वली सबको सब कुछ बांटते चले जाए, ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, गोल सेट करने पड़ते हैं। तो जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे ना, तो यहाँ पे पोर्टल की एनर्जी बता रही है। अब ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है जिसमें आप रह रहे हैं, ये है पोर्टल की एनर्जी जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। दोनों की दोनों कितनी अच्छी है, एक्सपेंशन है। 3 नंबर का कार्ड ना वैसे भी एक्सपेंशन का होता है, यानी कोई चीज है वो बढ़ जाना। ठीक है, तो चॉइसेस आपके पास आएंगी कि किन किन चॉइसेस पे आप काम कर सकते हैं। जॉब के रिगार्डिंग चॉइस होना, शादी में कोई लड़की या लड़का उसके रिगार्डिंग चॉइस होना, करियर के रिगार्डिंग चॉइस होना, कहाँ आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग चॉइस होना कि मुझे यहाँ नहीं यहाँ पढ़ना है, तो चॉइस आपको देगा। आपको देश में रहना है, विदेश में रहना है। अगर डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग आपके काम रुके हुए हैं ना, वीज़ा एंड ऑल, पासपोर्ट वगैरह, तो वो सब क्लियर होंगे इस टाइम पे। आपको खुशखबरी ऐसी मिलेगी, जो लोग बाहर अब्रॉड सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एक मैं बोलूँगी कि दरवाज़ा खुल रहा है, कि चीज़ों में एक्सपेंशन होगा। और जो बाहर से अपने पेरेंट्स को विजिट करने या कहीं भी फॉरेन लैंड से अपने देश में आने का सोच रहे हैं, तो वो भी विजिट कर पाएंगे। उस तरह की चीज़ें भी होंगी कि कुछ होगा कि आप मिल पाएंगे, और आपके करियर में भी एक्सपेंशन होगा, आपकी ग्रोथ होगी, सक्सेस में एक्सपेंशन होगा, आपका काम बढ़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं या कोई भी काम करते हैं, अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पर काम बढ़ेगा, आपका नीश बढ़ेगा, आपको थॉट्स ज़्यादा आएंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी बेसिकली, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी आपकी यहाँ पे ट्रैप्ड है। तो जब आप इस एनर्जी को डिसिपेट कर देंगे, तो एनर्जी आपकी रिसीव होगी आपको ही खुद को, जो पहले रुकी हुई थी, ब्लॉक बना हुआ था, उसी एनर्जी को आप अपने काम में यूज़ करेंगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे। इस कार्ड्स में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फॉरेन लैंड भी होता है, ट्रैवलिंग भी होती है, और एक सोचने समझने का दायरा बढ़ जाता है एक इंसान का। जैसे कि 10 साल पहले मेरा दायरा इतना नहीं था किसी चीज़ को लेके, आज बढ़ गया है। अगले आने वाले 10 सालों में हो सकता है उसी चीज़ को लेके मेरा दायरा और बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत बहुत सक्सेस और ग्रोथ लेके आएगा। और 3 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में आया है या भाग्यांक जिनका है, डेस्टिनी नंबर है, उनके लिए और ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं। और क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। रीडिंग जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे मेरे को रीडिंग में बड़ा अच्छा लगा है, तो वहीं पे क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, तो आपकी शादियाँ होने की, आपकी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स भी आपको बहुत अच्छी मिल सकती हैं इस टाइम पे। करियर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी लेडी की हेल्प से, किसी फेमिनिन पावर की हेल्प से। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों में आपको सक्सेस ग्रोथ बहुत मिलेगी। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो लेडीज़ गारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स या फिर परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के काम में हैं, तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, या हो सकता है कि आपको इस तरह के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, या आपके काम में आपको लेडी क्लाइंट्स ज़्यादा मिले। ठीक है, आप कंसल्टेशन में हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप किसी भी तरह की है, चाहे आप फ्रंट ऑफिस पे ही काम करते हैं, तो कहीं भी आपकी जो आपका जो ग्रोथ होगी बिजनेस में भी, जो सक्सेस मिलेगी, जो फुटफॉल बढ़ेगा कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे फेमिनिन एनर्जी से आपको ज़्यादा पैसा मिलते हुए, मदर से सपोर्ट मिलते हुए, मदर इन लॉ से, वाइफ से सपोर्ट मिलते हुए, इस तरह की चीज़ें भी हैं। ये आपकी खुद की क्रिएटिव एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है कि आप कुछ क्रिएट करें, अपनी खुद की क्रिएशन से पैसा कमाएं। अब क्रिएशन का तो कोई लेवल ही नहीं है कि कितनी तरह की क्रिएशन हो सकती है, क्या क्या चीज़ क्रिएट हो सकती है। जैसे किसी ने कार्ड्स बनाए हैं, ये उसकी क्रिएशन है। इससे पहले इस तरह के कार्ड्स होते थे, उसने इन्हीं कार्ड्स को मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक क्रिएशन है, मेरी बेटी ने आप लोगों के लिए ये बनाए हैं, इस तरह से हैंडमेड है उसने बनाए, ये एक क्रिएशन है। तो ये सब क्रिएशन है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये भी एक क्रिएशन है। तो क्रिएटिविटी का तो कोई अब लिमिट ही नहीं है, लिमिट पार हो चुकी है कि किस किस वे में आप क्रिएटिव हो सकते हो और कहाँ कहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। बट हाँ, पैसा आपका बढ़ेगा, लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट के सेक्टर में, अगर गवर्नमेंट की वजह से कोई काम रुके हुए हैं, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, हाई ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलेगा, बॉस का सपोर्ट मिलना, और परिवार में जो लेडीज़ हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली भी होती हैं बहुत बार फैमिली में, या फिर आपके पार्टनर हैं, मदर मदर इन लॉ हैं, इस तरह के हैं, लेडी बॉस के अंडर अगर आप काम करते हैं, डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग पोर्टल के थ्रू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हैं, ये सीक्रेट ब्लेसिंग्स हैं आपको। बट मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको इन नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं ना, इनसे मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी मुझे ये लग रही है, क्योंकि जब नेगेटिविटी निकलेगी, कचरा निकलेगा, तो ही आ गया कार्ड, आ गया गिल्ट का कार्ड आया है।
और पता नहीं क्यों कितनी रीडिंग्स में ना रिपीट ही हो रहा है, मैं जितना मर्जी शफल करके कार्ड्स को रखूं ये आ ही रहा है। तो गिल्ट में है सोल ट्राइब, मोटा मोटा जो मेरा सोल ट्राइब है जो देखता है रीडिंग्स को, मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं चाहे वो अलग अलग जोडियक्स में बटे हुए हैं बट वो गिल्ट कैरी कर रहे हैं, जो कलेक्टिव एनर्जी है मेरे सोल ट्राइब की वो गिल्ट आ रही है। हो ये गिल्ट आपको आपके पेरेंट्स ने बचपन में हो सकता है फील कराया हो, आपके टीचर्स ने, आपके पीयर्स ने, आपके दोस्तों ने, बट गिल्ट कैरी करते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, गिल्ट ये भी होता है बहुत बार कि जितना मुझे करना था उतना मैं कर नहीं पाया, मैं अपने पेरेंट्स का अच्छा बच्चा नहीं बन पाया, बच्ची नहीं बन पाई, जितना मेरा पोटेंशियल था मैं उतना नहीं कर पाई, मैं किसी को खुश नहीं रख पाई या रख पाया, और मैं अपनी शादी अच्छे से नहीं चला पाया, या मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं अच्छा फादर नहीं हूँ, हजार तरह की गिल्ट, हजार तरह की शेम ना कैरी करते हैं। और अगर ये नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर है ना गिल्ट और शेम की, तो आप लाइफ में जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाएं आप अंदर से खाली फील करते हैं। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम। और मुझे लग रहा है इस चीज़ को जिसमें कि आपकी गलती भी नहीं थी, जिसमें सामने वाले ने आपको ऐसे सीने में खंजर भोंक के छोड़ दिया, और यहाँ पे ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आपकी लाइफ में जब ये हुआ है सारा कुछ, और उसके बावजूद आपका जो है ना थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उन लोगों के लिए, और अपने लिए थोड़ा सा ऐसा है कि सारी गलती मेरी ही है, दिस इज़ गिल्ट कि सारी गलती मेरी ही है, मैं कोई काम अच्छे से कर ही नहीं पाता, मैं अच्छी चीज़ डिज़र्व ही नहीं करता, मैं अच्छी चीज़ डिज़र्व ही नहीं करती, हाँ मेरे साथ तो ये होना ही था, मुझे पता ही है, मेरे साथ तो ऐसा ही होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, इस तरह की चीज़ों को आप एंटरटेन करते हैं। तो ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा गाइज, ठीक है। इन एनर्जीज में मैंने बोला है कि मेरे पास जो चैनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि आप इसको छोड़ दीजिए। और एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है, ये होता है ना, अब इसको यहाँ पे नेकेड दिखाया है, अब क्यों दिखाया है नेकेड, कपड़े पहन के भी दिखा सकते थे, वो इसीलिए दिखाया है कि जब आप पैदा हुए थे तो आप ऐसे ही आए थे बिना कपड़ों के इस दुनिया में, एग्जिस्टेंस आपका जो सर्वाइवल है, आपका जो सर्वाइवल है ना वो स्टेक पे लगा हुआ है इस गिल्ट की वजह से। तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा और मेडिटेट करना पड़ेगा, और हर पल एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि मैं हूँ तो ही ये सब हैं, ये रिश्ते, ये नाते, ये दुनिया, ये नौकरी, ये पैसा, ये इच्छाएं, ये चिंताएं, सबसे पहले मैं हूं। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखना है। ये पोर्टल भी आपकी हेल्प करेगा, इसकी एनर्जी में भी आपको एकदम से सेल्फ लव आएगा, आप खुद पे काम करेंगे, बट आपने खुद पे काम करना है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यही तो कह रहा है एग्जिस्टेंस कि सबसे पहले भैया क्या इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप हो तो ही तो बच्चा आया है ना, ठीक है, आप हो तभी तो पेरेंट्स आए हैं, आप हो तभी तो पार्टनर है, अगर आप ही नहीं होते तो रिश्ते भी नहीं होते। तो यही हम सब गलती करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटीज करना सीखना है, और बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज नहीं करना है लोगों को। और यहाँ पे है अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो मुझे फील हो रहा है कि आप लोग जो बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, काम रुके पड़े हैं हर जगह पे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एफर्ट्स ही लगाना पड़ता है और अभी काम नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एफर्ट्स भी ना लगाएं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं, एक मोमेंटम गेन होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो जो भी आप पे बीती है, जो भी आपका ये टाइम पीरियड रफ पैच, आई नो क्योंकि एक्वेरियस सोल ट्राइब का भी शनि की 7:30 चल रही है, आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच ऑफ योर लाइफ, बट हाँ ये ऐसे ही है, और इससे ज़्यादा इसको हम वैलिडेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है समय काटना ही पड़ेगा। रोमांस है आप लोगों का कार्ड में, यहाँ पे ब्लेसिंग के रूप में आया है कि रोमांस है, अब रोमांस कैसे आएगा लाइफ में अगर आपका दिल इतना टूटा हुआ है, अगर आप पुराने वाले के लिए इतने सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, इतना कुछ अगर आप उसको याद कर रहे हैं, उसकी यादों में आंसू बह रहे हैं, तकिए गीले कर रहे हैं, तो रोमांस कहाँ से आ गया लाइफ में, ठीक है। तो ये तो होगा कि पहले इसको निकालना पड़ेगा, तब एक न्यू रोमांस आएगा, तब एक नया रोमांच आएगा लाइफ में। अपने ही पार्टनर को भी अगर आप उसकी भी किसी बात से हर्ट हैं, और बहुत ज़्यादा हर्ट है, डीपली हर्ट है, तो आपको उससे बात करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आप उससे बात करें तो वो खुद ही रो पड़े, वो खुद ही आपसे माफ़ी मांग ले, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। आस्क फॉर दी हेल्प फ्रॉम दी अदर, और दूसरों से हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं है। बहुत बार हमारी मदद इसलिए भी नहीं हो पाती है गाइस कि हम मदद मांगना जानते ही नहीं है कि कैसे मदद मांगते हैं। तो मदद मांगना सीखिए, लोग हैं आपके आसपास जो आपकी मदद करेंगे। महाशिवरात्रि है, लव एंड हार्मनी अवेट।
तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चैनलाइज मैसेज आया है कि आप लोगों की शादियाँ हो जाएंगी या जिन लोगों की शादियाँ हुई हुई हैं उनके रिलेशनशिप जो ख़राब हुए हुए हैं किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, तो यहाँ पे लव और हारमनी आप लोग बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, कहीं से आ नहीं जाएंगी, आप क्रिएट करेंगे। आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, आप उसको बताएंगे कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। और हो सकता है कि ये पोर्टल की एनर्जी आपको ऐसा एंथुजियाज्म दे कि दिस इज द टाइम कि आप मुझे बात करनी है, साफ साफ कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और रुद्राक्ष है यहाँ पे, डिटॉक्सिफिकेशन क्लिनजिंग है, तो हो सकता है कि पोर्टल के आसपास जब पोर्टल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हो तो आपको हेडेक हो, कुछ लोगों को वॉमिटिंग आ सकती है जो बहुत सेंसिटिव हैं, कुछ लोगों का पेट खराब हो सकता है, माइग्रेन के अटैक आ सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी, नींद ना आए, ये भी हो सकता है। आप लोगों को डरना नहीं है, तो ये क्लिंजिंग हो रही है आप लोगों की, जो आपने बहुत दबा के रखा हुआ है ना अपने अंदर, ठीक है, वो निकलेगा बाहर, उसको लेट गो करना है, उसको निकालना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये कचरा मेरे अंदर भरा हुआ है, निकल रहा है, ये मेरा ही कचरा है और मैं हल्की हो रही हूँ या मैं हल्का हो रहा हूँ इस चीज़ के बाद। तो ये बहुत बहुत प्यारी सी रीडिंग है और बहुत हीलिंग। आपने इसका टोन देखा है, इसमें प्यार भी आया है, इसमें पैसा भी आया, लेकिन टोन क्या रहा है? इसका टोन रहा हीलिंग, क्योंकि आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है, तो हीलिंग होगी। ये पोर्टल जो है ना आपको हील करने के लिए आ रहा है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पे ये है इस वाले रीडिंग में, थ्रू आउट द रीडिंग ये है। आपके दिल पे जो भार है ना, इतना दिल में जो दर्द है, उसको एक मरहम लगेगा, सूदिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, उसके बाद आप लाइफ में बहुत कुछ ट्रैक पे आएगी आपकी लाइफ। और वैसे भी ना एक्वेरियस सोल ट्राइब की जो शनि की 7:30 है वो अब निकलने ही वाली है। ये समझो कि हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, और जहां से हाथी निकला है वहां से पूंछ निकल ही जाएगी। 4-5 महीने की बात है, बर्दाश्त कर लो, उसके बाद कोई बात नहीं, मीन राशि वालों की बैंड बजने वाली है उसके बाद, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये आप लोगों की रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, लाइक माइंड पीपल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। और बहुत हिम्मत लगती है, बहुत मेहनत लगती है 3 रीडिंग एक दिन में करने में, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।